हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? हाँ, इट्स क्वाइट क्लियर. मुझे भी आ रही है, तुम्हें भी आ रही है? मुझे भी आ रही है. बहुत चेंज हो गए हो यार. अच्छा, सर काफी टाइम बाद देखे, 6 साल बाद देख रहे हैं मेरे ख्याल से. हाँ, 6 साल तो हो गए. हाँ, अच्छा, कैसी तबीयत है, क्या हो रहा है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक. बस घर पे ही है यार, क्वारंटाइन में टाइम गुजार रहे हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं. तुम बताओ क्या हालचाल है? अल्लाह करम है. सबसे पहले तो मेरा एक सबसे बेसिक सवाल होता है गेस्ट से कि क्वारंटाइन कैसा गुजर रहा है, क्या कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स क्वाइट गुड. आई मीन प्रोडक्टिव भी है और साथ साथ ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तो उस हिसाब से काफी अच्छा चल रहा है. तो बाकी काम वाम भी है और घर के काम भी है, बाहर भी जाना होता है चीजें वीजें लेने, तो ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बेटर देन नॉट स्पेंडिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, सो इट्स गुड. तुम बताओ तुम्हारा कैसा जाना है? बात यार, मैंने ये शो डिजाइन किया था क्वारंटाइन में. आई वॉज प्लानिंग टू स्टार्ट दिस शो फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन जो है वो स्टूडियो के चक्कर, प्रोडक्शन के चक्कर, इक्विपमेंट के चक्कर, उस वजह से फिर हो नहीं पा रहा था. लेकिन इस टाइम मैंने कहा कि चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं. एटलीस्ट इट वुड बी सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव सेशन, इट वुड बी सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द पीपल. अच्छा, ये हसन गानी साहब कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, आज हम एक्चुअल साइंसेस के ऊपर तो बात करेंगे ही, उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने बोला बाहर जा रहे हो, तो ये क्या सीन है? दुकानों में तो रश लगा पड़ा है, लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे हैं? मीडिया तो चिल्ला चिल्ला के थक गया यार. ऑब्वियसली अब आप लोगों की मेंटेलिटी तो वो चेंज नहीं कर सकते. जो चीज़ है वो तो ऑब्वियसली है, मतलब लोग बाहर जा रहे हैं, अब आप उनको कितना रिस्ट्रिक्ट करोगे? तो ऑब्वियसली केयर करनी चाहिए. गवर्नमेंट अपने एंड से तो काफ़ी अच्छी एफर्ट्स करी है. अगर मैं सिंध की बात करूँ, स्पेशली मेरे एरिया में, तो ऑब्वियसली लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है. बाकी आई कैन नॉट वॉच फॉर अदर एरियाज, तो ओवरऑल तो ये सिचुएशन है. तो लेट्स सी इन कमिंग डेज क्या होता है, क्योंकि अभी रमजान आएगा, तो ऑब्वियसली रमजान में लोगों की रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती हैं. और भी आज मैं खबर पढ़ रहा था कि शायद ये जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं नान ताफ्तान वाले, वो शायद ओपन कर दें. तो लेट्स होप कि कंडीशन बेहतर ही हो, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसी लगती है. अच्छा, तो आज से ही मैंने ये प्लान किया था कि मैं हर गेस्ट अपने पूछा करूंगा स्टार्टिंग में कि अगर गवर्नमेंट को वो रेट करेगा 10 out of 10, तो वो कितना रेट करेगा? अगर तुम अभी तक की गवर्नमेंट के हिसाब से रेट करोगे तो कितना है 10 में से परफॉर्मेंस? या आई वुड से 8 या 9, 8, 8 तुम कह लो, 8 वुड बी रीजनेबल. क्योंकि आप एक तरीके से पूरी लॉकडाउन कम्प्लीटली भी नहीं कर सकते, गिवन दैट कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी है. फिर आप लोगों को बिल्कुल भी छूट नहीं दे सकते, तो इस वजह से एवरीबडी इज ट्राइंग एंड आई गेस सिंसियरिटी है फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल एंड फ्रॉम ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी. स्पेशली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पीटीआई माइसेल्फ, लेकिन ऑब्वियसली जितना कंसर्न शो कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर एवरी मैच्योरिटी तो शो की है. और इस बात पर मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि अगर सिंध गवर्नमेंट जैसी गवर्नमेंट भी काम करना शुरू कर सकती है या कुछ एफर्ट कर सकती है, तो फिर तो हम लोगों ने जिंदगी में सब कुछ देख लिया. अगर मर भी जाए तो कोई गम नहीं है. अच्छा, तो कमिंग टू द टॉपिक, सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड बता दो उमर, अपना बैकग्राउंड बता दो कि तुमने कहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, अब तुम क्या कर रहे हो, ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑडियंस को. मतलब अगर मैं बेसिक से लेके चलूँ, तो मैंने ओ एंड ए लेवल्स बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स के साथ. उमर, तुम्हारे नेट का इशू हो रहा है. उमर, अगर तुम वाईफाई यूज कर रहे हो तो काइंडली अपने घर में बोल दो कि कोई प्रॉब्लम कर रहा है, दोबारा कोशिश करते हैं तुम्हें कनेक्ट करने की. अच्छा जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं तरीके से जो आप लोग क्वारंटाइन गुजार रहे हैं. हम लोग आज बात करने वाले हैं एक्चुअल साइंसेस के ऊपर भी, टॉपिक असेसिव जो एक्चुअल साइंसेस, किस तरीके की फील्ड होती है, क्या स्कोप है इसमें, आप लोग जो है वो आप लोगों को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फील्ड, और भी डिटेल में बात करेंगे. हमारे साथ गेस्ट हैं उमर इरशाद साहब, जो हैज बीन द पार्ट ऑफ आईसीए यूनिवर्सिटी, हैज बीन द पार्ट ऑफ यू नो, ही इज
ही इज फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ ए लेवल्स. तो हम लोग हम उमर शाह साहब साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके नेट का कोई इशू हुआ, टेक्निकल कोई इशू हुआ, जिसकी वजह से ही लेफ्ट द वीडियो कॉल. वी ट्राई टू गेट हिम बैक ऑन द वीडियो कॉल सो दैट वी विल डिस्कस. बैकग्राउंड बता रहे थे वो अपना कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से उन्होंने अपना एजुकेशन कम्प्लीट किया है. तो हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअरियल साइंसेज बेसिकली जो है वो क्या होती है, उसका स्कोप क्या है. दोबारा से ट्राई करते हैं उमर शाह को अपने साथ कनेक्ट करने. कोशिश कर रहे हैं कि उमर शाह हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, कोई टेक्निकल इशू है. तो हम लोग बात कर रहे हैं आज एक्चुरियल साइंसेस की, क्या किस तरीके से आप लोग जो है इस फील्ड को अगर परस्यू करते हैं तो आपके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आप लोग के लिए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं. बिसाइड दैट कल हम लोगों का सेशन है एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर, और हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही फैंटास्टिक लाइफ कोच के साथ. उनका नाम आल्फा है एंड I'm really thankful to her as well that she has given me the time in a very short notice. Short notice से मुराद मैं हर गेस्ट को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं दो तीन दिन पहले एट द मैक्स लाइन अप करता हूँ गेस्ट को, क्योंकि इट्स एवरी डे शो. तो अब अक्सर ये होता है कि मेरे पास कल के लिए भी गेस्ट नहीं होता और मैं लाइन अप करता हूँ, तो जो भी गेस्ट मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑल जो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और मेरे शो में आते हैं. क्योंकि द मोटिव बिहाइंड द शो इज टू यू नो कि आप लोगों को नॉलेज बढ़े, आप लोग की नॉलेज बढ़े. और सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस शो दैट हेल्प मी टू इंक्रीज माय नॉलेज एज वेल, क्योंकि मुझे एचआर का पता चल गया कि हाउ इट वर्क्स, मुझे इंटरनेशनल सेल्स का पता है हाउ इट वर्क्स, मुझे डोमेस्टिक सेल्स एंड रिटेल एक्टिविटीज का पता चल गया कि हाउ इट वर्क्स, मुझे फंड रेजिंग के बारे में पता चल गया कि हाउ यू नो हाउ यू शुड फंड रेज, मुझे और भी बहुत सारी डिफरेंट फील्ड के बारे में पता चल गया, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चल गया कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से कर सकते हैं आप. दोबारा से कोशिश करेंगे उमर शाह को अपने साथ लेने की एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर. हेलो हाँ उमर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आई गेस यार इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है आज, कोई स्ट्रॉन्ग फाइबर का जोर के एरिया में, तो से आज स्ट्रॉन्ग फाइबर का वाकई में इशू चल रहा है. मेरे पास स्ट्रॉन्ग फाइबर चल भी नहीं रहा था तो मैंने जूफोन वालों को कॉल की, मैंने कहा खुदा के लिए आज के लिए ना 3G सही चला देना क्योंकि मुझे 3G से शो करना पड़ेगा. अच्छा गुड जॉब, कीप इट अप. शुक्रिया अरीन जहरा भुट्टो और अल्लाह आपको भी खुश रखे और आप भी तरक्की करती रहे जिंदगी में. अच्छा तो मुझे उमर ये बताओ कि एक्चुअल साइंस एग्जैक्टली है क्या? यार बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ लेट से बिल्कुल ही बेसिक अगर मैं बताऊं तो एक्चुअल साइंस इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ मैथ्स आप कह लो, या इट इज अ पर्टिकुलर फील्ड कैरियर पाथ जो कि सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मिटिगेशन पे वो करता है, बेस करता है. ठीक है, लेट्स से कि मैं अगर तुम्हें बेसिक से लेके चलूँ तो एक्चुअरियल साइंसेज में मेनली जितनी भी चीजें होंगी वो सारे रिस्क से रिलेटेड होंगी. जितना आपका फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर है, तकाफुल सेक्टर है और वो वाला सेक्टर है, वो सारा एक्चुअरियल साइंसेज के अंदर आता है. तो उसको आप कह सकते हैं जो एक्चुअरियल साइंसेज बेसिकली मेनली यही है. ओके तो तुमने अपना ये इसमें बैचलर्स किया है या इसमें तुमने स्पेशलाइजेशन किया? बेसिकली इसमें डिग्री होती है बैचलर्स की? हाँ बेसिकली नहीं, इसमें एक्चुअली काफी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज हैं इसके. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दो डिफरेंट सिनेरियोज बताऊं तो एक सिनेरियो है कि आप इसमें बैचलर सर्टिफिकेशन कर डिग्री कर लो फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी, उसमें आप पर्टिकुलर ग्रेड्स के हिसाब से अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए एग्जेम्पशन मिल जाती है. लेट्स से ग्लोबली देयर आर आई गेस 5 to 6 मेन बॉडीज ग्लोबली जिसमें सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज आता है जो कि यूएसए का है, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज है जो कि कैनेडा का है, फिर ऑस्ट्रेलिया का भी है, फिर फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज है जो सबसे ओल्डेस्ट है वो यूके का है. तो अभी करंटली मैं जो परस्यू कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज का. दिस इज बेसिकली अ सर्टिफिकेशन, दिस इज अ 2-स्टेप सर्टिफिकेशन. पहला स्टेप है कि एसोसिएटशिप होता है, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर फेलोशिप होता है. तो अगर आप कह रहे हो कि आपने बैचलर्स का पाथवे लेना है तो बैचलर्स के पाथवे के लिए आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर से बैचलर्स करना पड़ेगा. जो यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड इन यूके, इन ऑस्ट्रेलिया, इन कैनेडा, उनके अगर आप पर्टिकुलर ग्रेड्स होते हैं, अगर आप उन ग्रेड सेट के अंदर आप पर्टिकुलर ग्रेड्स ले लेते हो तो फिर आपको एग्जेम्पशन देती है.
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर यू विल गेट द साइनिंग अथॉरिटी इफ यू हैव द सर्टिफिकेशन फ्रॉम दीज एक्चुअल बॉडीज. ठीक है. अच्छा तो एक्चुअल साइंसिस पे तो मैं बात करूंगा, लेकिन तुम आईबीए के स्टूडेंट रह चुके हो और आईबीए की एक बहुत बड़ी हाइप है और सिर्फ इस पूरे उसमें सेशन करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा पर्स्यू, उस पर मैं कोशिश करूंगा कि सेशन भी करूं, लेकिन हर स्टूडेंट का पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम ये ख्वाब है. मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो यही चाहते हैं कि वो आईबीए में एडमिशन लें, आईबीए में जाए. जिसकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी पूछोगे स्पेशली फॉर द बिजनेस स्टूडेंट तो वो तो कहेगा भाई आईबीए ही जाना है. तो आईबीए की इतनी हाई क्यों है पहली बात तो ये, और दूसरी चीज ये कि आईबीए में का टेस्ट इतना मुश्किल क्यों है या इंटरव्यूज का इतना मुश्किल क्यों है, स्टूडेंट का पहुंचना क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? यार बेसिकली अगर आप देखें तो आई गेस पूरे पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एजुकेशन वाइज जिसका स्टैंडर्ड हाई है उनमें आईबीए आता है. सबसे ओल्डेस्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. फिर आप ओबियसली अच्छे के हिसाब से आप ओबियसली लम्स को भी उस कैटेगरी के अंदर लाते हो. फिर ये सारी चीजें हैं, लेकिन आईबीए क्योंकि 1950s और समथिंग उससे कुछ आईबीए ऑपरेट कर रहा है तो उस हिसाब से आईबीए का कैलिबर अच्छा है. सेकेंडली एज फार एज यूर सेइंग कि आईबीए का क्राइटेरिया काफी हाई है तो ऑब्वियसली आप ये समझो कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन है. फॉर एग्जाम्पल अगर बीबीए का टोटल आईबीए का बैच 1000 स्टूडेंट्स का होता है तो उसमें आई गेस आउट ऑफ 10,000 और 12,000 स्टूडेंट्स आपके पास में से आप 1000 सेलेक्ट कर रहे होते हो. तो ऑब्वियसली उन्होंने कट ऑफ इस लिहाज से रखा हुआ है कि ऑब्वियसली ड्रीम जो है वही जाए, वही आईबीए आए. तो आप उस सेंस में कह सकते हो कि मुश्किल होता है. ऑब्वियसली बीबीए का टेस्ट और अगर तो आप आईबीए की बात करो ज्यादा डिटेल में तो बीबीए और अकाउंटिंग फाइनेंस के टेस्ट के क्राइटेरिया डिफरेंट है. बाकी उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स है और इकोनॉमिक्स है मैं बैचलर्स की बात कर रहा हूँ और कंप्यूटर साइंस का उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, वो ज्यादा मैथ्स बेस्ड है. तो ब्रॉडली स्पीकिंग ऑब्वियसली एफर्ट है आईबीए के टेस्ट में, ऐसा नहीं है कि आप जाके टेस्ट दे दो. ऑब्वियसली कुछ लोग हैं इतने जीनियस जो कि सिर्फ टेस्ट देते हैं दे क्लियर इट, बट स्टिल यू हैव टू पुट एन एफर्ट टू पास द टेस्ट. ओके. अच्छा फराज एफजेड पूछ रहे हैं, एफजी पूछ रहे हैं कि उमर कैन यू प्लीज टेल मी वेयर यू आर करंटली वर्किंग. बेसिकली अभी मैं अभी SIR कंसल्टेंट्स में जॉब कर रहा हूँ. दिस इज अ कंसल्टिंग एक्चुअरी फर्म और आई एम वर्किंग एज एन एक्चुअरियल एनालिस्ट देयर. ओके. और यही बोल रहे हैं कि आईबीए सक्स ब्रो. इनकी बात नहीं है, सिर्फ इनकी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार आईबीए ओवर वो क्या नाम है ओवर हाइप्ड है या ओवर रेटेड है. तो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ले नहीं पाते एडमिशन इसलिए कहते हैं या वाकई में इट डजंट वेरी लाइक इट्स वर्थ इट टू गो टू द आईबीए? यार ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट आप कह सकते हो, हर किसी की अपनी राय है. मैं भी कहूंगा काफी चीजें ऐसी लगती थी आईबीए के अंदर, कुछ सिस्टम्स ऑब्वियसली नहीं सही, कुछ काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर इश्यूज है, आईबीए के अंदर भी इशूज है. मैं ये नहीं कह रहा कि आईबीए परफेक्ट, आईबीए आ जाओ तो उसके आईबीए में तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, उसके बाद भी तुम्हें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं. ऑब्वियसली देवर सर्टन फराज बेसिकली मेरा ही बैचमेट है, मेरे साथ ही पास आउट हुआ है तो उसकी अपनी राय होगी. हमें ऑब्वियसली आईबीए कुछ चीजें पसंद नहीं थी, जैसे एनरोलमेंट के टाइम पे थोड़े बहुत इश्यूज हमें आते थे. तो वेरी गुड बैट यूनिवर्सिटी भी होता है. हाँ गुड बैट तो है. तो बाकी जहां तक आप किसी टीचर अगर यूनिवर्सिटी को जज कर रहे हो थ्रू द क्राइटेरिया कि उसके टीचर्स कैसे हैं, उसकी फैकल्टी कैसी है, तो आई वुड से आईबीए की कंपैरेटिवली बेहतर है. लेकिन ऑब्वियसली इवेंचुअली सारी चीजें उसकी पे आ जाती हैं कि आप थ्रू वीडियोस और थ्रू जो है क्या कहते हैं स्लाइड शोज उसके थ्रू ही पढ़ा रहे होते हो. तो इवेंचुअली उस सेंस में कुछ लोगों को पसंद नहीं है. ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में हर किसी को अपनी एफर्ट लगानी पड़ती है, लेकिन आईबीए टू मी वॉज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट. मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई के हिसाब से भी और एक्टिविटीज के हिसाब से भी, लेकिन यू कैन से मॉल के हिसाब से कैसी है? या ऑब्वियसली इट्स गुड, इट्स गुड. बाकी आपकी ग्रूमिंग भी होती है और वो सारी चीजें अगर आप जो कंसिडर कर रहे हो कि आपको होनी चाहिए. यू विल इनकरेज स्टूडेंट टू गो फॉर आईबीए ऑप्शन? या ऑब्वियसली डेफिनेटली, क्योंकि जॉन सी भी यूनिवर्सिटी से आप करो, इफ यू हैव करेज, इफ यू हैव टैलेंट तो आप ऑब्वियसली आगे ही जाओगे. क्योंकि फिर ग्रूमिंग आप अपने हिसाब से ही करते हो, आप अपनी फ्रेंड्स को भी चूज करते हो,
फिर अब यूनिवर्सिटी में आके इतने मैच्योर हो जाते हो कि आपको पता होता है कि आपको क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। और अगर यूनिवर्सिटी में पहुंच कर भी इतने मैच्योर नहीं हुए तो फिर गलत पहुंच गए यूनिवर्सिटी। अच्छा तो आखिरी सवाल पूछूंगा आईटी का कि चूंकि आई हैव बीन देयर, तो मैं दो तीन इवेंट ऑर्गेनाइज करने के सिलसिले में गया हूं, तो दे हैव अ वेरी बिग फुटबॉल स्टेडियम फुटबॉल पिच जहां पे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो स्पोर्ट्स का क्या सीन है आईपीए में? स्पोर्ट्स का सीन है या मतलब ऐसे ही बस बनाया हुआ उन्होंने कहा? या ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का है, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ आईबीएस टीम। अगर पार्ट नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको एफर्ट दिखाना है अपनी तरफ से। मैंने एक गलती की कि मैं ऑब्वियसली क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, खेलता भी हूँ, तो मैंने आईबीए के टाइम पे काफी नहीं खेला, जो कि मुझे रिग्रेट होता है, क्योंकि अगर उस टाइम पे खेलता तो ऑब्वियसली जो क्रिकेट की पिच है वो उन्होंने उसी लिए अलाउ की हुई है जब वो मैचेस होते हैं, क्योंकि वो मैचेस ऑब्वियसली आप पिच दूसरों को भी दे रहे हो, तो ये सीन है। और जहाँ तक फुटबॉल पिच पे खेलने का क्रिकेट खेलने का ताल्लुक है तो हम लोगों ने भी खेला है वो। नहीं वो खेल तो उधर रहे होते हैं, जो रोड बना हुआ है उधर खेल रहे होते हैं, उन्होंने वो बनाया हुआ होता है, मतलब फिल्टर विल्टर वहाँ खड़े हुए भी होते हैं, मतलब इट्स अ वेरी चिल सीन। अच्छा तो कमिंग बैक टू द एक्चुअल टाइम्स, तो मुझे ये बताओ कि इसका स्कोप कितना है पाकिस्तान में, जॉब्स वगैरह हैं नहीं है, क्या सीन है? हाँ या बेसिकली एक्चुअल साइंस के लिए मैंने नाम इसलिए रखा था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान स्पेशली लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल साइंसेस है क्या। ठीक है, पहली बात ये कि अगर आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हो एक्चुअल साइंस को किसी और सर्टिफिकेशन या डिग्री से, तो आई वुड से करीब करीब आप उसको सीएसए से कंपेयर कर सकते हो, नॉट एग्जैक्टली टू सम एक्सटेंट। ठीक है, फिर जहाँ तक इस बात का सवाल है कि एक्चुअरियल साइंसेज का स्कोप कितना है पाकिस्तान में, तो एक बात तो ये आती है, पहली बात कि एक्चुअरीज बेसिकली होते ही इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर और तकाफुल सेक्टर के अंदर है। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ये सेक्टर इन इटसेल्फ बहुत ज्यादा वो नहीं है, गूम हुआ हुआ नहीं है, ऑब्वियसली काफी गूम हो रहा है, टाइम टू टाइम इसमें लोग आ रहे हैं और सब चीजें हो रही हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि एक तो ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी आ जाता है और जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, हलाल हराम वाला चक्कर, लेकिन जितना मैंने अपने जॉब के हिसाब से देखा है और जो चल रहा है उस पर ऑब्वियसली इस्लामिक फाइनेंसिंग और सारी चीजें करके आप इस फैक्टर को कोशिश करके एलिमिनेट कर रहे हो। अच्छा, ये आमिर का एक क्वेश्चन मैंने अभी देखा, वो मुझे काफी अच्छा लगा, इफ यू डोंट माइंड तो मैं उसका जवाब दे दूं कि वो कह रहा है वही पूछने वाला था, एक्चुअल साइंसेस करने के लिए कॉलेज में कॉमर्स लेना चाहिए या प्री साइंसेस? वेल टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर ब्लेंड जो है वो मैथ्स का है, इकोनॉमिक्स का है, फाइनेंस का है और इन सारे सब्जेक्ट्स का है, बट माई सेल्फ मैंने सिर्फ मैथ्स पढ़ा था ए लेवल्स में और ओ लेवल्स में, और जितना आप कह लो मैट्रिक इंटर अगर उसको आप कंपेयर करो, तो उसके लिए ज्यादा मैंडेटरी नहीं है कि आप साइंस सब्जेक्ट्स लो। मैथमेटिक्स इज द की, अगर आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है और आपका मैथ्स अच्छा है एंड यू वांट टू परस्यू द करियर इन मैथमेटिक्स, तो एक्चुअल साइंस इज द फील्ड फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर इवेंचुअली बहुत ही, टू बी ऑनेस्ट, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सर्टिफिकेशन है ग्लोबली, सोसाइटी ऑफ एक्चुअली इसके एग्जाम, आईओपी के एग्जाम जितने भी हैं, तो और काफी इसमें डिमांडिंग भी है, तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है और आपको उससे रिलेटेड चीजें समझ में आती हैं और आपका इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर एक्चुअल साइंसेज, बट इसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप साइंस लो या कॉमर्स लो। ओके, कोई भी ले सकता, तो आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है देन एक्चुअल साइंसेज इज अ फील्ड फॉर यू। अच्छा तो आईबीए से तुमने बीबीए किया था उमर, या आईबीए से क्या किया था? नहीं, आईबीए से मैंने बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स किया था, तो बेसिकली एक और चीज मैं बताता रहा हूँ कि आईबीए से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर्स करो या नहीं करो, एक्चुअल साइंसेज के किसी भी एक बोर्ड के अंदर ये वो नहीं है रिक्वायरमेंट कि आपके पास बैचलर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। एज फार एज आपके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लेवल किया हुआ है, तो यू कैन स्टिल अपीयर फॉर द एग्जाम। ओके, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट ए लेवल्स, अगर यू आर 13 इयर्स ग्रेजुएटेड तो फिर आप एक्चुअल साइंसेज की तरफ जा सकते हो। या यू कैन टेक द एग्जाम्स एंड ऑब्वियसली जैसे ही आप एग्जाम्स ले रहे हो, आप एग्जाम पास कर रहे हो या जो भी आपका प्रोग्रेस है वो फिर उस हिसाब से बनता रहता है। तो अभी जो तुम जॉब कर रहे हो उसकी बेसिकली नेचर क्या है,
जॉब में तुम्हें मतलब क्या काम होता है, ये इसलिए पूछ रहा हूँ मैं ताकि जो लोग परस्यू कराना चाहें फील्ड को उन्हें एग्जैक्टली पता हो कि आगे जाकर हमें क्या क्या करना होता है। यार बेसिकली टू फ्रॉम बेसिक्स मेरी जॉब ये है कि अगर तो तुम्हारे पास मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मेरे क्लाइंट्स के अंदर तकाफुल कंपनीज हैं और वो है इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी होती है इंश्योरेंस के तकाफुल जो रिस्क से रिलेट कर रही है, फेस कर रही है, उसका बेसिक पर्सपेक्टिव क्या होता है, उसका बेसिक काम क्या होता है। इसका काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम दिया, फिर जब उनके पास आपके पास क्लेम वो देंगे तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव इनफ मनी टू पे देम ऑन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक साइकिल। सो मैं जो कर रहा हूँ अभी क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास और भी डे टू डे टास्क आ रहे होते हैं, उसमें यही होता है हम लोग रिजर्विंग होती है क्वार्टरली और एक साल में एक बार प्राइसिंग होती है एनुअली या सेमी एनुअली। रिजर्विंग के अंदर ये है कि आप बेसिकली यू आर जजिंग द कंपनी दैट आफ्टर ईच क्वार्टर एंड इट हैज इनफ रिजर्व टू पे ऑफ द डेट एंड दैट इज बेसिकली मे कंसिस्टेंट ऑफ क्लेम्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो वो आप कंपनी को पे ऑफ करना है। तो ये चीज है। ओके, आमिर का सवाल आया है दोबारा से कि फॉर अ स्टूडेंट लाइक योर सेल्फ कितना अर्सा, एक सेकेंड, फॉर स्टूडेंट लाइक योर सेल्फ कितना अर्सा लगा, कितना अर्सा लगता है बैचलर के बाद डेजिग्नेशन वगैरह में। तो उसके फराज ने कहा इट टेक 2 to 5 years टू रीच बिकम आर एसोसिएट। 4 to 5 years है ना। तो यस बेसिकली आपके पेज पे डिपेंड करता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद द जॉब आई वुड से 4 to 5 years या 4 years लग जाते हैं एसोसिएट बनने में, ठीक है। एसोसिएट लेवल आप कह लो कि पहला लेवल होगा, ठीक है, फिर उसके बाद फेलोशिप लेवल है, अगर दो लेवल के अंदर आप ब्रेक कर रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड इट्स कंपेयरिंग टू एनी अदर सर्टिफिकेशन एट दिस पॉइंट, अगर आप एसोसिएट हो दैट मीन्स यू आर वर्थी ऑफ वे मोर देन एनी अदर थिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल सीएफए करने के अंदर अगर 4-5 साल लग रहे हैं आपको, तो अगर आप एसोसिएट हो यू कैन ऑब्वियसली कंपेयर यूर सेल्फ विद अ सीएफए क्वालिफाइड पर्सन, नॉट टू ग्रेटर एक्सटेंट बट टू सम एक्सटेंट, मतलब आपकी आफ्टर टेकिंग ईच एग्जाम पासिंग द एग्जाम आपका इंक्रीमेंट अच्छा होता है, ऑब्वियसली यू गेट द बेनिफिट्स एज वेल। तो इन इट सेल्फ एक्चुअरियल कैरियर काफी अच्छा है। और एसोसिएट के बाद फिर फेलोशिप लेवल आता है। अगर मैं आपको सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज का बताऊं तो सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज में इन टोटल मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑब्वियसली फेलोशिप क्रैक के हिसाब से वेरी करती है, उससे मैक्सिमम 7 exams होंगे, मैक्सिमम 11 exams होंगे जिनमें से एसोसिएट लेवल के 7 exams हैं। तो वो आप 4 to 5 years के टाइम पीरियड के अंदर दे सकते हो। तो ऑन एवरेज जो बंदा एसोसिएट बनता है उसकी एज जो है आप कह लो 26-28 के बीच में ये मूवमेंट होती है, ठीक है। अच्छा ये जब आप इंटरमीडिएट की बात करते हो तब भी 3-4 साल ही लगते हैं, 4-5 साल ही लगते हैं या उसमें ज्यादा लगते हैं थोड़ा? यार दैट टोटली डिपेंड्स, ऑब्वियसली मेजोरिटी अब जो लोग कर रहे हैं वो बेसिकली बैचलर्स के बाद ही, मतलब बैचलर्स में आए उन्होंने साथ साथ ही 1-2 exams निकालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब कुछ लोग हैं जो कि इतने जीनियसेस हैं कि वो खुद ही कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, लाइक आई नो पीपल हु कम्प्लीटेड द फेलोशिप विद इन 5 to 6 years विदाउट टेकिंग एनी यूनिवर्सिटी। सो ये चीज भी है, लेकिन जनरल जो ग्लोबली मार्केट में पैटर्न देखने में आ रहा है वो यही है कि आप बैचलर्स के साथ साथ एग्जाम देते हैं। ऑलराइट, शायान यू क्यू पूछ रहे हैं कि प्लस व्हाट इज योर जॉब टाइमिंग, बिकॉज यू मस्ट हैव मैनी इंटरनेशनल क्लाइंट्स। ये कोई आपकी जॉब की टाइमिंग का पता है मतलब? ये ऑब्वियसली थोड़ा क्रिटिकल सवाल है इनका, क्योंकि मेरी टाइमिंग थोड़ी ऑब्वियसली डिफरेंट है कंपेयरिंग टू अदर्स। लेट्स से कि आई स्टार्ट एट 12 और 1 o'clock इन द आफ्टरनून, देन वी ऑब्वियसली गो टिल 9:30, 10 और कभी कभी मिडनाइट रात भी हो जाती है, 12, 12:30 भी बज जाते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ डिमांडिंग जॉब। यही तो मोटिवेशन है, यही तो मोटिवेशन है जॉब के लिए, आपको 1 बजे काम करने के लिए उठ रहे हैं, तो ये तो कमाल टाइमिंग है। अच्छा एक और सवाल, जी जी बोलो। हाँ बोलो बोलो सवाल। एक और सवाल किया है अजीम हाशमी साहब ने कि उमर एक्चुरियल साइंसेस मुश्किल है या सीएफए मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है दोनों में? वेल टू बी ऑनेस्ट आई कैनॉट कम्पेयर बोथ फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, क्योंकि मैं सिर्फ एक्चुअरियल के एग्जाम्स दे रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली उसी का सिलेबस और उसी से रिलेटेड सारी चीजें बता सकता हूँ।
कंपेयरिंग टू सी एफ ए, ऑब्वियसली सी एफ ए ज्यादा फाइनेंस बेस्ड है और उसमें फाइनेंशियल रेगुलेशन वो सारी चीजें आ रही होती हैं. एक्चुअरियल साइंसेज इस सेंस में डिफरेंट है क्योंकि उसके अंदर फाइनेंस भी है, मैथ भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सारे परस्पेक्टिव हैं. तो फॉर मी एक्चुअरियल साइंसेज इज बिग टफ बट इट्स डूएबल अगर आपके पास वो है, अगर आप सिंसियरिटी शो कर रहे हो टूवर्ड्स द स्टडीज, आप टाइम निकाल के दिखा रहे हो. तो सी एफ ए के अंदर भी ये सेम चीज होगी. तो बहुत आर डिफिकल्ट टू बी सही. आमिर भी ये कह रहा है कि इट्स अ लेजिट क्वेश्चन, कुछ एक्चुअरियल जो है वो मैथमेटिक्स पे बेस्ड है और सी एफ ए जो है इट्स मोर बेस्ड इन फाइनेंस. तो जैसे कि तुमने ही बोला कि ये दोनों फर्क है में, तो इफ यू आर गुड इन फाइनेंस देन यू शुड गो फॉर अ सी एफ ए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उमर, एंड इफ यू आर गुड इन मैथमेटिक्स देन यू शुड गो फॉर एक्चुअरियल साइंस. इसी तरीके से है. येट टू बी ऑनेस्ट, इवन इफ यू आर नॉट गुड एट मैथ दैट मच, तो अगर आप प्रैक्टिस और ड्रिलिंग का ज्यादा बिलीव करते हो तो ऑब्वियसली यू कैन ट्राई एक्चुअरियल साइंस, क्योंकि एक्चुअरियल साइंसेज का एसोसिएट लेवल तो बेसिकली वो यही जज कर रहा होता है कि आपको चीज समझ में आ रही है और आपको सवाल सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, फाइनेंशियल मैथ्स है और बाकी फाइनेंस के भी उसके अंदर कोर्सेज हैं, फिर ऑब्वियसली एक्चुअरियल स्पेसिफिक भी एग्जाम है. तो अब जैसे फराज ने यहाँ पे कॉमेंट कि वो ऑब्वियसली सी एफ ए भी कर रहा है, नो है उसके बकौल एक्चुअरियल इज टफर, एंड ऑब्वियसली आई कैन से कि वो जो कह रहे हैं ठीक होगा, बट आई कैन नॉट से कंप्लीट गारंटी कि वो ठीक है या नहीं. उसकी चाहे दोस्त है तुम्हारा फराज. हाँ अच्छा, दोस्त की बात को इज्जत दे रहे हो मगर उस पर भरोसा ना करने का मशवरा दे रहे हो कि भाई भरोसा ही नहीं करो. मैं सिर्फ इज्जत दे रहा हूँ कि हाँ कह रहे हैं तो कुछ हो सकती है बात. अच्छा ये बताओ कि अजीम हाशमी साहब तुम्हारे बॉस हैं? अरे अजीम हाशमी है ना एक्चुअली यूनिवर्सिटी का दोस्त है, ही इज माय मेंटोर आई वुड से. काफी चीजें समझाइए जॉब तुम्हारी सेटिस्फाइड, क्योंकि कल हमारा यूनिट शायद के साथ हुआ था, वो क्रिएटिव एजेंसी का बहुत बड़ा नाम है, तो वो अपने उसकी जो है ना उसके कॉलेज के लोग, उसके ऑफिस के लोग आ गए थे, तो उसका बॉस उसे जो है ना कमेंट कर रही थी, जो बॉस थी वो कह रही थी बार बार कि तुम्हारी जॉब सही है, तुम्हें जॉब में कोई मसला तो नहीं होता, तुम बताओ यूनिट कोई जॉब में कोई परेशान से नहीं करता. तो भाई भी इसी तरह पूछे थे कि जॉब सेटिस्फाई कर, पूछ लो मेरे कहीं बॉस तो नहीं है. ये टू बी ऑनेस्ट टू मी, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, मुझे आई गेस 1.5 साल हो गया है, तो आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह इट्स क्वाइट गुड. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम अगर आपके पास जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट है और जितने भी वो हैं, जितने भी आपके टीम है, अगर वो यंग हो और वो अंडरस्टैंडिंग हो, और स्पेसिफिकली यू गेट टू वर्क विद इंटेलिजेंट पीपल, जो कि ऑब्वियसली एनालिस्ट बेस्ड जॉब है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिटिकली थिंक अबाउट ईच नंबर एंड ईच थिंग दैट यू जज. तो उस हिसाब से आई वुड से काफी अलहमदुल्ला आई एम सेटिस्फाइड कंपेयरिंग टू द जॉब मार्केट एंड कितनी सैलरी है. तो उस हिसाब से भी एक्चुअरीज का ऑब्वियसली जो अभी लास्ट ईयर यूएसए का सर्वे आया था उसके बकौल के जितने ग्रेजुएट्स हैं फ्रॉम एक्चुअरियल साइंस डिग्री, उनकी ऑब्वियसली स्टार्टिंग सैलरी वॉज द हाइएस्ट वन इन यूएसए. एंड इफ वी कंपेयर इट विद लाइक पर्सन लाइक मी जो जॉब के साथ साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी मिली अलहमदुल्ला इट्स क्वाइट गुड कि आप साल में अगर एक या दो एग्जाम निकाल रहे हो तो इट्स वर्थ इट, क्योंकि आपको फिर उस हिसाब से जितना भी है इंसेंटिव मिल रहे हो. सही. अच्छा तो आमिर ने सवाल पूछा कि सॉरी आई मिस, तुम एग्जाम दे सकते हो एसोसिएट लेवल के विदाउट द डिग्री? तो हाँ एग्जाम दे सकता है ना उमर, इंटरमीडिएट और ए लेवल की बेस पे. यस एग्जैक्टली, एग्जाम दे सकता हूँ. सही. तो पराज भाई शुक्रिया फॉर हेल्पिंग अस आउट. अच्छा जी, और जो है क्या नाम है, अच्छा स्कोप का मैंने पूछा था तुमसे उमर, तो अगर मिसाल के तौर में 200 लोग जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, अरीन तुम्हारा सवाल भी मैं लेता हूँ अभी, अगर 200 लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं हर 4 महीने बाद, तो इतनी जॉब है कि 2-3 साल तक जॉब मिल सकती है लोगों को? यार एक तो बेसिकली मैं बता दूं कि जॉब क्राइटेरिया एक्चुअरियल साइंसेज फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो उसमें यह है कि आपके पास बेसिक, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी एग्जाम और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एग्जाम, ये दो बेसिक एग्जाम होते हैं जो कि सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास दो एग्जाम्स हैं तो ऑब्वियसली इट्स 90% or 80% गारंटी कि इंशाल्लाह यू विल गेट अ गुड जॉब. ठीक है, बट इफ यू डोंट हैव द एग्जाम तो उसके लिए ऑब्वियसली जितने भी वो है
जो भी हायर कर रहा है वो यही आपको देगा प्रेफरेंस कि आप पहले एग्जाम क्लियर करो उसके बाद फिर अप्लाई करो। तो अगर आप बेसिकली ग्रेजुएट हो रहे हो और ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपने एग्जाम नहीं दिया हुआ, तो मेन सबसे पहली प्लानिंग आपकी यही होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट एक एग्जाम पास कर दो। फिर एग्जाम अगर आपके पास पास हुआ तो यू हैव अ लेजिट रीजन टू अप्लाई फॉर द जॉब। वंस यू गेट इट तो फिर ऑब्वियसली जॉब के साथ साथ आप 6 महीने बाद 4 महीने बाद एक एग्जाम में काम करो। ओके, और एक आइडियली बता दो, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताने की जरूरत नहीं, एक आइडियली बता दो कि अगर आप एक चूरियल साइंस में अपना जब एसोसिएट लेवल के टेस्ट क्लियर करते हो फिर सिर्फ फर्स्ट स्टेज, तो आपकी मिनिमम सैलरी क्या होती है? या मिनिमम सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी वुड बी ऑलमोस्ट आई गेस मार्केट से जितनी आपको मिल रही है, मतलब किसी और फील्ड में अगर स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है, आपने एक एग्जाम दिया हुआ है, तो आई गेस आप जितनी मार्केट में किसी और फील्ड में बैचलर्स बीबीए का कोई ग्रेजुएट हो रहा है तो उससे उसकी जितनी होगी या उससे थोड़ी सी कम होगी। दैट इज व्हाट आई कैन से। स्टार्टिंग में शायद आपको थोड़ा इतना लेवरेज ना मिले, आप कहो कि यार मैं इतना एग्जाम्स दे रहा हूँ वो सारी चीजें हैं और स्टार्टिंग मुझे कम मिल रही है, बट एज सून एज यू स्टार्ट क्लियरिंग द एग्जाम्स फिर ऑब्वियसली इट मल्टीप्लाइज है उससे। तो उस हिसाब से स्टार्टिंग में मैं ऑब्वियसली अपनी ज्यादा क्लियरली से मैं नहीं बता सकता, वो यही थी कि मार्केट में जब मैंने अप्लाई किया था और जब मुझे जॉब मिली थी तो जो मार्केट में चल रही थी आई गेस वही। अच्छा, अरीन जैरा मोटो पूछ रहे हैं कि हाउ मच इंटरमीडिएट परसेंटेज इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एक्चुअल साइंसेज? वेल बेसिकली आपको इसमें वही है, एग्जाम्स जो है सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज के अगर आप वेबसाइट पे जाएं soa.org तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उनके एग्जाम पाथवे क्या है। एज फॉर एज कौन soa.org ठीक है जी, तो कमेंट बॉक्स में जो है वो बता दी है वेबसाइट, आप उधर ट्राई देख सकती हैं। हाँ, मैं कंटिन्यू। तो मैं उनके सवाल का भी जवाब दे दूं कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी एक्चुअरियल बॉडी की, स्पेसिफिकली सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज की, बट ऑब्वियसली ये है कि आई गेस दे लुक एट योर मैथमेटिक्स ग्रेड और नॉट, जहाँ तक मुझे इसका याद नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मैथ अच्छा जी, तो उमर से हमारा फिर से रब्ता डिस्कनेक्ट। उमर कैन यू हियर मी? दोबारा कोशिश करेंगे उमर को कनेक्ट करने की। तो आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एक्चुअरियल साइंसेज में क्या क्या सवाल भी हम लोगों ने लिए हैं, और हम दोबारा कोशिश करेंगे उमर शाह को अपने साथ कनेक्ट करने की, सो दैट वी कैन गो अहेड एंड टॉक विद हिम मोर अबाउट एक्चुअरियल साइंसेज। तो उन्होंने जिस तरह से आप लोगों को बताया, Do you know if internationally भी degree की requirement नहीं है? I am asking that क्योंकि CFA and CA require a degree in a lot of countries outside of Pakistan. आमिर तुम्हारा भी सवाल लेने की दोबारा से कोशिश करेंगे once Umar will be get in touch with us again. अच्छा जी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं specifically talking about एक्चुअल साइंसेज, और हम लोगों ने उमर इरशाद हमारे गेस्ट हैं, इन सब ने पूछा कि किस तरीके से आप लोग एक्चुअल साइंसेज कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फील्ड एज वेल। तो उन्होंने काफी डिटेल में बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने बात की कि स्टार्टिंग सैलरी जो है इट डजेंट मैटर, यहाँ पे जो है वो अजीम हाशमी साहब ने भी कॉमेंट किया है कि यू शुड नॉट लुक At the starting salary in this field, growth is what should be your main focus. It's a high demand field around the globe. Amit, tumhara sawal dobara lene ki koshish karenge. Acha ji, Faraz, shukriya jawab dene ka. Acha ji, Areen Zahra Bhutto, aapke sawal ka jawab aapko mil gaya hoga. Amit, mujhe bhi umeed hai ki tumhare exam wale sawal ka jawab tumhe mil gaya hoga. Kis field mein mentor hain, ye bhi bata do. Acha ji, aur ye bhi poochenge field. End mein poochenge, yaar, comedy wale sawal na sab end mein. So koi tension nahi hogi. कल हमने यूनिट शायद से गाने भी गवाए लेकिन एंड में गवाए, तो इसका भी सवाल पूछे हैं कि फील्ड में मेंटोर है ये उनका। अच्छा जी, तो वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू उमर इरशाद विद अस एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ऑलराइट ज़हरा, थैंक आवर प्लेजर, देखते रहिए, पसंद करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। उमर साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
थैंक यू अमात. अच्छा जी उमर, कैन यू हियर मी? हाँ यार, आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया था स्टूडेंट से. तो अच्छा कोई मसला नहीं. तो अच्छा इसमें ये बताओ, आमिर पूछ रहा है, आखिरी सवाल ले रहे हैं हम, डू यू नो इफ इंटरनेशनली भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है? आई एम आस्किंग दैट क्योंकि सीएफए एंड सीएफए सीए रिक्वायर्स अ डिग्री इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. इंटरनेशनली भी आई वुड से डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब अगर आपने ना बैचलर्स किया हुआ है ना आपने ऑब्वियसली बैचलर्स भी किया हुआ तो मास्टर्स भी नहीं कर पाओगे, तो डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें. क्योंकि आई नो पीपल, मेरे मामू जो है वो फेलो है अगर मैं बताऊं तो, उन्होंने भी डिग्री नहीं की थी, उन्होंने बेसिकली इंटर लेवल के बाद ही एग्जाम देना स्टार्ट कर दिए थे. तो अगर आपके पास सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज या जो भी इंटरनेशनल एक्चुअरियल बॉडी है, अगर आपके पास उसके एग्जाम्स हैं, अगर आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन है, लाइक एएसए अगर मैं बोलूँ, सोसाइटी ऑफ एक्चुअरीज की एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है, अगर आपके पास वो है तो दैट इज इनफ फॉर यू टू बी रिकग्नाइज एज एन एक्चुअरी. फिर आपके पास अगर फेलोशिप है तो फिर ऑब्वियसली यू आर द किंग पिन आई वुड से ऑफ द एक्चुअरियल साइंसेज. आप कहीं पे भी किसी भी ग्लोबली आप कहीं भी अप्लाई करोगे आपकी डिमांड होगी, क्योंकि फेलोशिप के बाद ही आपके पास सिग्नेचरी राइट्स होते हैं. उसके बाद एसोसिएट लेवल के जो है, फॉर एग्जांपल जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हो गई या जितने भी पैकेजेस हो गए, वो एक्चुअली एसोसिएट लेवल का भी साइन कर सकता है, बट उसके अंदर कुछ कंट्रीज जो है वो एसोसिएट लेवल की सिग्नेचरी अथॉरिटीज देती है. लेकिन जितने इंटरनेशनली अगर आप यूके यूएसए कैनेडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो ऑब्वियसली वहां पे आपके पास फेलोशिप की डिग्री होना जरूरी, सर्टिफिकेशन होना जरूरी. तो आमिर तुम्हें जवाब मिल गया होगा. अच्छा उमर, जाने से पहले कोई भी ऐसी एडवाइस जो भी उन लोगों को तुम करना चाहो जो अभी इंटरमीडिएट कर रहे हैं, ये सवाल मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ क्योंकि सब डिफरेंट फील्ड के होते हैं, तो अपने हिसाब से उन लोगों के जवाब देते हैं जो स्पेशली इंटरमीडिएट में और बैचलर्स में इस टाइम, उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे? इट कैन बी एनी एडवाइस. हाँ ये बेसिकली अगर तो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई वुड से अगर आप पाकिस्तान में 10 लोग हैं, उन 10 में से सिर्फ 5 से 4 को पता होगा कि एक्चुअरियल साइंसेज है क्या. ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक स्टेप, मेजॉरिटी लोग जो मुझसे ज्यादा जीनियस है, बहुत जीनियस हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द फील्ड, तो ऑब्वियसली दे कैन मिस आउट द अपॉर्चुनिटी इन इट. तो आई वुड से कि इफ यू हैव, इवन इफ यू डोंट हैव टाइम, ट्राई टू फाइंड इट आउट कि एक्चुअरियल साइंसेज है क्या, एक्चुअरीज कर क्या रहे होते हैं. क्योंकि अब आप देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, अभी ग्लोबल पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है. ठीक है, इस पे हमारी इंडस्ट्री जो है, जो इंश्योरेंस हो गई, तकाफुल इंडस्ट्री हो गई, रिस्क मैनेजमेंट वाली इंडस्ट्री हो गई, बहुत हद तक इफेक्ट होनी है. अभी से हमारी काफी जितने भी रेगुलेटर्स हैं उन्होंने चेंजेस लाने शुरू कर दिए हैं कि आप ऑब्वियसली क्वार्टर एंड पे ये चीजें अपने पास तैयार करके रखो, क्योंकि जब क्लेम्स की तादाद अभी नहीं आएगी, मोटर क्लेम्स की तादाद बाद में आएगी क्योंकि लोग अभी निकल नहीं रहे, तो ये सारी चीजें हैं. तो इस चक्कर में ये पूरी एक फील्ड ऐसी है जो कि पूरी इस रिस्क पे बेस्ड है. तो ट्राई टू फाइंड आउट कि एक्चुअरियल साइंसेज है क्या. इफ दैट इंटरेस्ट यू, ऑब्वियसली आप किसी भी पाकिस्तान के अंदर आप सर्च करो तो फिर आपको काफी मिल जाती हैं ऐसी जगहें जहां पे जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे एक्चुअरीज होंगे, कंसल्टिंग एक्चुअरीज होंगे हर जगह जहां पे वो काम कर रहे हैं. और इंटरनेट का दौर है तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजी. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑब्वियसली सर्च करो, अटेम्प्ट करो, देखो कि कैसा है. फिर हमारे स्पेशली अगर मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊं तो हम लोग तो इसलिए कैरियर फेयर वो सारी चीजें जितनी भी होती हैं वहां पर भी हम लोग काफी एक्टिव रहते हैं. वी ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स आउट टू फिगर कि उनको करना क्या चाहिए. फिर उस बेसिस पे आप देखो, क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप एग्जाम दो और आप फेल हो जाओ, क्योंकि इसमें काफी लोग ऐसे हैं जो एग्जाम पहली बार में अटेम्प्ट पास नहीं होते, फिर उसको अटेम्प्ट करते रहते हैं, बट इवेंचुअली दे गेट द सर्टिफिकेशन. तो उस सेंस में यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअल साइंसेज इज. सही. तो उमर, तो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपना टाइम दिया. और क्या नाम है, इट वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. मुझे तो पता चल गया कि भाई एक्चुअल साइंसेज होती है क्या, और डिग्री कम्प्लीट करें क्या पता मेरा भी माइंड बन जाए. तो आई एम वेरी बैड इन मैथ्स, लेकिन मैं रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ कि क्या जुगाड़ हो सकता है मैथ्स का भी. तो इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन विद यू उमर, एंड आई एम रियली थैंक यू फॉर योर टाइम. ठीक है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, घर में रहो और क्वारंटीन को एंजॉय भी करो और बी प्रोडक्टिव. ठीक है, टेक केयर फिर साहब.
अच्छा जी, तो उमर साहब से जो है वो हमारा रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया. डिड यू क्लियर ऑडियो? फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं बनेगा दिमाग. अच्छा जी, हाँ मेरा दिमाग नहीं बनेगा, मेरे आई कैन अंडरस्टैंड दिस. अच्छा जी, डिड यू क्लियर ऑडियो एग्जाम से? तो फर्स्ट टाइम फराज, आप उनके दोस्त हैं, आप दोबारा उनसे पूछ सकते हैं. सिंस हमारा सेशन के साथ जो है आज का खत्म हो गया, और कल हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर बात करने वाले हैं. I've received a lot of voting for this session. बल्कि मैंने बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो उसके अगेंस्ट पोल पे डाला हुआ था, विच वॉज हाउ टू फॉलो योर ट्रू पैशन. लेकिन उसको भी एक बड़े मार्जिन से बीट किया इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पोल ने. इट वॉज लाइक अराउंड 78% पीपल वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ सेशन ऑन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एंड ऑन फेसबुक इट वॉज अ टायर 50-50. तो वट आई हैव कम अप विद द आइडिया that I'll be doing session on depression and on anxiety tomorrow on Sunday, and I will be scheduling the session on how to follow your true passion next week. So, kal aap log aayega, we will be having a very fantastic live coach Arifa with us. जिन सब लोग ये बात करेंगे कि एंजाइटी और डिप्रेशन से किस तरह निकल सकते हैं, इट इज नॉर्मल टू हैव और नॉट, and what are the advantages and disadvantages of it. और आप लोग बहुत सारे वर्ड खाली सवाल लेंगे जितने लोगों ने वोट किया था. आई एम होपफुल से आप लोग उस सेशन पे आएंगे. यू विल हैव अ लुक ऑन इट. आज के सेशन में ऑडियंस बहुत कम थी, जिस तरीके से उमर ने ही बताया कि अनफॉर्चुनेटली एक्चुअल साइंसिस का लोगों को पता ही नहीं है. तभी आज जो है वो ऑडियंस हमारी कम थी, लेकिन इंशाल्लाह कल इस उम्मीद के साथ आएंगे कि ऑडियंस भी अच्छा होगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सवाल भी लेंगे. यू कैन कम अप विद योर स्टोरीज एज वेल कि आप लोगों को डिप्रेशन क्यों हुआ, एंजाइटी क्यों हुआ, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन. सो कल तक के लिए दुआओं में यार अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, घरों के अंदर रहिएगा. खुदा हाफिज़.